गोस्वामी तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर मंजू त्रिपाठी, हिंदी विभाग के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा, प्रोफेसर रामदरस राय, प्रोफेसर अनिल कुमार राय, प्रोफेसर कमलेश कुमार, प्रोफेसर दीपक कुमार सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके पश्चात वक्ताओं ने रामचरितमानस और आज का समय विषय पर अपने अपने विचार रखे। इस तुलसी जयंती के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। कि हमारे चारों गुरु इस मंच पे बैठे हुए हैं, जो बीते हुए प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त ने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध प्रथम सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी विभाग की एक परंपरा है। आप सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और चाहे वो शोध के विद्यार्थी, सब विद्यार्थी हैं और सबको इसीलिए बुलाया गया है कि तुलसीदास किसी सेमेस्टर के नहीं हैं। देश का पूरी भारतीय जनता के कवि, भारतीय जनमानस के कवि हैं और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस साल ऐसा प्रयोग घटित हुआ, तुलसीदास की जयंती अंग्रेजी महीने से नहीं मनाई जाती है, हिंदी के महीने से मनाई जाती है। सभी विद्यार्थियों ने तुलसीदास के बारे में याद किया होगा कि उनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को और इस साल श्रावण शुक्ल सप्तमी 17 अगस्त को थी। 17 अगस्त को राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो गई, इसलिए 17 अगस्त का कार्यक्रम नहीं हो सकता था। उसके बाद फिर आज हम लोगों ने उस कार्यक्रम को यहाँ रखा है, इसीलिए इस कार्यक्रम को यह नहीं कहा जा रहा है, हमारे विद्यार्थी इससे सीखे और भविष्य में उनको काम आएगा, तुलसी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम को नहीं लिखा गया है। इस कार्यक्रम को लिखा गया है तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो उस स्टेज पर नहीं है। हम लोगों ने पिछले साल भी आयोजन किया था, उसके पहले भी किया था, कभी नहीं हमारी आशा परंपरा के जिनके बारे में जिनकी महानता के बारे में इतना आलोचक कहता है, उससे ज्यादा भारत की जनता कहती है। दोनों के बीच में तय नहीं किया जा सकता है कि आलोचक ज्यादा कह पाता है कि भारत की जनता ज्यादा कह पाती है, कि गांव का अनपढ़ आदमी भी उस चौपाई से कुछ सीख सकता है और कविता लिखने का अभ्यास करने वाले लोग भी सीख सकते हैं और कविता लिखने में महारत हासिल करने वाले लोग भी सीख सकते हैं। तुलसीदास की कविता इतनी बड़ी कविता है और उसका इतना प्रसार है, जहाँ भी भारतीय हैं वहाँ रामचरितमानस भी है और आज मुनि जी ने अपने व्याख्यान का विषय चुना है रामचरितमानस और आज का समय। अभी विदेश कह रहे थे कि रामचरितमानस की प्रासंगिकता
मुझे अच्छा लगता है कि प्रासंगिकता एक स्वार्थी शब्द है कि हम उस कवि लेखक को जो हमारे लिए प्रासंगिक न हो उसको बुला देंगे। बहुत पहले आलोचना में एक लेख सुना था, अभी भी उसको याद होगा, प्रासंगिकता की प्रासंगिकता। और उसके बाद एक दूसरा लेख छपा छपा था प्रासंगिकता का प्रमाण। और इस लेख को लेकर बच्चन सिंह ने और बाकी स्कूलों ने बहुत तीखी बात हुई थी, वो बात भी छपी आलोचना। हमारा समय तुलसीदास के समय से तमाम अर्थों में अलग है, वही है जो तुलसीदास के समय की नियत थी। तुलसीदास 400 साल पहले के कवि हैं, पर आज भी पढ़े और सराहे जा रहे हैं, उन पर विचार हो रहा है, उनमें कलिकाल को खोजा जा रहा है, उसमें राम राज्य की परिकल्पना को खोजा जा रहा है, उसमें कलिकाल के वर्णन को अपने समय के यथार्थ से जोड़ा जा रहा है। और ये कोई आज ही नहीं जोड़ा जा रहा है, बहुत दिनों से यह परंपरा चलती है। हिंदी के पहले कवि तुलसीदास कविता के गुणों से संपन्न हो ना हो, पर भारत की जनता के सहारा के रूप में तुलसीदास रहे हैं। वहां बहुत कुछ खोजा है और शायद रामचरितमानस की चौपाइयां लोक जीवन में जितने गहरे समाई हुई हैं, लोकोक्ति के रूप में, भोजपुरी और अवधी लोकोक्ति के रूप में रामचरितमानस की चौपाइयां वहां तक जाते जाते बिगड़ गए हैं, उनका वही रूप नहीं रह गया है, लेकिन उसका उस रामचरितमानस की चौपाइयां ही हैं।